उनका प्लान है, वो सुबह का नाश्ता जैसलमेर पहुंच के करेंगे, दिन का खाना जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली पहुंच के। Hi guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan and I think आपको thumbnail और subject line से थोड़ा idea हो गया होगा कि ये video किस regarding है। Yes, you are right. This is Rajasthan trip video. ये अभी की वीडियो नहीं है, ये है लॉकडाउन से पहले की वीडियो। इसके जस्ट एक दो हफ्ते बाद लॉकडाउन हो गया था और आई फील आई एम सो लकी कि मैं उस टाइम पे चली गई। अगर मैं ज़रा सा भी एक दो हफ्ता और लेट करती तो मैं नहीं जा पाती। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं गई और वहाँ एक्सपीरियंस किया एंड द ट्रिप वॉज ऑसम। सो उस टाइम पे क्योंकि मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड करती थी, मेरा मैं इतनी एक्टिव नहीं थी यूट्यूब में, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब क्योंकि कहीं जा नहीं पा रहे हैं और वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा दुख है बिकॉज मैं उस टाइप की इंसान हूँ जो ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने बाद तो एक ट्रिप तो मार ही लेती थी। बट अब क्योंकि अनफॉर्चुनेट है, सबके साथ है, कोई नहीं जा पा रहा है तो इट्स ओके फाइन। दिल्ली के जो बंदे होते हैं और जो ऑफिस गोइंग होते हैं उन्हें क्या होता है ना, वीकेंड का टाइम मिल जाए या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाए तो वो ऐसा ही करते हैं कि आसपास जो होगा मैक्सिमम हिल एरियाज में ज़्यादा जाते हैं, राइट? तो उत्तराखंड हो गया, शिमला, जो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाए तो वो हमने करे हैं। तो जो राजस्थान वाला था वो इतना आराम से और इतना प्यार से हम घूमे हैं, तसल्ली से घूमे हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न है जो 4-5 दिन हम घूमे हैं आराम से और फुल इंजॉय किया है। मतलब कोई भागम भाग नहीं है, ऑफिस जाने का कोई टेंशन नहीं है। मॉरिशस जो मेरा हनीमून था उसके बाद ये राजस्थान का टूर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। बट लॉकडाउन के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ गो टू राजस्थान, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली अ रॉयल प्लेस टू गो। क्योंकि वहाँ पे एक तो मेरे हस्बैंड भी राजपूत ही हैं तो वहाँ सब जो है राजपूत रहते हैं और वहाँ का कल्चर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब, स्पेशली वो जो उनका आउटफिट होता है, वो सब को जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो बहुत पसंद है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा न्यू था और आई एंजॉयड अ लॉट देयर। सो आई थिंक सबको एक बार तो ज़रूर राजस्थान जाना चाहिए और मैं दोबारा भी जाऊँगी। इस बार मैं कुछ और प्लेसेस राजस्थान की कवर करूँगी जो लास्ट टाइम छूट गए थे और मैं नहीं कर पाई थी। तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मैं ज़रूर दोबारा जाना चाहूँगी। तो ठीक है, ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड मैंने क्या किया, कैसे किया, कब गए और कैसे कैसे फ़न करा वहाँ पे, तो आपको मैं उस ब्लॉग के ज़रिए दिखाना चाहूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम निकले राजस्थान के लिए, विच इज़ 8:00 एट नाइट। एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग में निकलेंगे बट एज़ यूजुअल हमारी आँख नहीं खुली और हमने डिसाइड किया कि हम रात को ही निकलेंगे बिकॉज डे टाइम में क्योंकि पीक आवर्स होते हैं तो ट्रैफिक मिलता है, तो रात में ये फ़ायदा होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के और किसी ट्रैफिक के आप जा सकते हो। तो नोएडा से जैसलमेर का जो एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो है 796 किलोमीटर्स, विच इज़ 800 किलोमीटर्स अराउंड एंड 14 आवर्स की जर्नी है जो कि मतलब छोटी नहीं है, 12 घंटे से ज़्यादा हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू गो वेया फ्लाइट और ट्रेन, मतलब जिनको मतलब रोड ट्रिप नहीं सूट करता है, वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है तो मेरे ख्याल से उनको ट्रेन से जाना चाहिए, और जिनको टाइम की कमी है तो
वो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप रोड ट्रिप पे जाओ, बिकॉज़ राजस्थान का जो व्यू है, आप जो रोड्स हैं और जो आसपास का जो व्यू है वो इतना अमेजिंग है कि आप हमेशा मिस करोगे उस चीज़ को, जैसे मैं मिस कर रही हूँ। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि मॉर्निंग हो रही है धीरे धीरे, बट वी वर सो चार्ज्ड एंड इतना इन्जॉय कर रहे थे हम, म्यूज़िक गाना गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसका एक रीज़न भी है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हमारा ट्रिप था, जो कि 2-3 साल से प्लान कर रहे थे बट नहीं जा पा रहे थे। तो फाइनली जब हमने न्यू गाड़ी परचेज करी जैन में, तो हम इतने ज़्यादा मतलब उतावले थे कि बस अब तो जाना ही जाना है। तो फैब में ही हमने प्लान कर लिया कि जैसलमेर जाना है, और ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना हम लोग निकल पड़े टू आर न्यू डेस्टिनेशन, दैट टू इन आर न्यू होंडा सिटी 2020। दिस इज सोनिया एंड हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हैं जोधपुर में और हम यहाँ फोटो सेशन कर रहे थे, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ हम फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ सनराइज हो रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ही अच्छा सीनरी है जहाँ पे आप फोटो ले सकते हो। सुबह के अभी 8:30 बजे इधर सनराइज हो रहा है। सनराइज हो चुका है और ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज खींची हैं। सो वी आर जस्ट इंजॉयिंग द वेदर, सी सो दिस इज ऑसम प्लेस। एक्चुअली दिस इज अ विलेज है ना? या तो विलेज है यहाँ पे। देखो गाड़ियाँ भी मुश्किल से एक आधी आ रही होंगी, कोई आ ही नहीं रही है। हमारी गाड़ी मुश्किल से खड़ी है यहाँ पे, गाड़ी है ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पे। सी तो आप बताइए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आप राजस्थान में एंटर होते हैं, जयपुर आते हैं, पुष्कर आते हैं, अजमेर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में फील आएगा आपको अजमेर से जो आप जोधपुर की तरफ बढ़ते हैं, और जोधपुर से जब आप जैसलमेर की तरफ बढ़ते हैं तब आपको फील आएगा। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 250 किलोमीटर है। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी वहाँ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इन्हें बोलने दीजिए, बहुत बोलते हैं, इन्हें मौका नहीं मिलता। ओह डस्ट, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड, जोधपुर चलते हैं।
ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हम रात के 8 बजे निकले थे और अब कितना हो गया? 12 घंटे होने वाले हैं। ओह, ऑलमोस्ट 12 आवर्स। अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड अ लॉट टू कवर। कवर, राइट? स्टिल टू कवर। सो वी आर roaming here and there, and we just can't find Jodhpur. We just completed 12 hours, okay? Right now it's 8 o'clock and we are just tired because already 12 hours and yahan pe aapko koi bhi hotel nahi dikhai de raha. There is nothing, only a long way to go. Only trucks. Wait. Yes, dust and trucks. Oh, bhai sahab, kab tak drive karna hai? ये जो जगह थी जहाँ हमने ब्रेक लिया था बीच में, तो वो थी पाली, विच इज़ आई थिंक 1-1.5 घंटा पहले पड़ता है जोधपुर से, एक गांव है। तो हम वहाँ से निकले और उसके बाद फाइनली हमें जोधपुर में एंट्री ली और जो पहला हमें होटल दिखा हमने वहाँ चेक इन कर लिया। फिर ब्रेकफास्ट करके हम जल्दी से सो गए बिकॉज शाम को उठ के हमें साइट सीइंग के लिए भी जाना था। तो हम 3-4 बजे उठे और फिर हमने बाहर रेस्टोरेंट में लंच किया जिसमें राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर हम फटाफट मंडोर गार्डन पहुँचे जो कि आप पिक्स में देख सकते हो, मेरे पास वीडियोस नहीं हैं। और ये इंदौर सिटी से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप दिन में जाओगे आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा कि ये रेड पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पे अलग अलग बावड़ी और छतरी टाइप से बनी हुई है जो कि समाधि है एक तरीके से, पुराने जो योद्धा थे जो लड़ाइयों में शहीद हो गए थे। क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था तो सारी पिक्स जो है शाम की और रात की है। और फिर हम रात को पहुँचे अपने होटल और सो गए बिकॉज नेक्स्ट डे हमें साइट सीइंग के लिए उठना था जल्दी। और फिर हम निकले अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। और इतना अच्छा नज़ारा देखने के बाद हम पहुँचे उम्मेद भवन पैलेस, विच इज़ नेम्ड आफ्टर महाराजा उम्मेद सिंह। ये जो पैलेस है विच इज़ अवार्डेड द वर्ल्ड बेस्ट होटल बाय ट्रिप एडवाइज़र। ये फ़ोटोज़ ही मैं आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई एज सेड अर्लियर। तो इस पैलेस में जो है 347 रूम्स हैं। जो आगे आप देख रहे हो जो हमने फ़ोटो क्लिक्स करवाए हैं वो है एक म्यूज़ियम, और इसी के ही ठीक सामने बहुत सारी एंटीक कार्स रखी हुई हैं एज अ म्यूज़ियम जहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक्स करवाए हैं। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप की एंटीक कार्स रखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में अट्रैक्टिव है। इसी के ही बाहर जाते वक्त एंट्रेंस में अगर आप देखोगे तो एक स्पॉट है, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और इसके बाद हम पहुँचते हैं जसवंत थड़ा। ये भी एक बावड़ी की तरह ही है, मतलब एक समाधि जो बिल्कुल वाइट दिख रहा है आपको पिक्स में, जो एक मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा। और इसी के जस्ट पीछे एक झील है जिसे बालसमंद लेक बुलाते हैं। आप देखोगे पिक्स पे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पॉइंट, बहुत ही शांति और सुकून वाला जो माहौल था। इसके बाद जो हमने नज़ारा देखा वो तो ब्यूटीफुल था। और एट दी एंड हम पहुँचे मेहरानगढ़ फोर्ट, एंड दिस फोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड 410 फीट अबव द जोधपुर सिटी। इसी के अंदर म्यूज़ियम भी है, रेस्टोरेंट्स भी है और शॉपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह भी है, कल्चर एक्टिविटीज़ भी हो रही है। मतलब इतना ह्यूज है ये फोर्ट
कि यहाँ ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। आई कैन इवन इमेजिन कि एक फोर्ट में इतना कुछ हो सकता है। और बाहर आप देख रहे हैं कितना अच्छा पॉइंट है कि आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। मैदानगढ़ आए हुए हैं और हम चढ़ाई कर रहे हैं, थक गए बहुत। जब वीडियो बनानी होती है ना खुद की तब एकदम चार्ज हो जाते हैं इंसान है। और जब मैं बोलूँ मेरी बना दो, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। What is this? हे राम, थक गई मैं। पहली पहली बार है, पहली बार है जी, पहली पहली बार। धक्का लगा दो, गाड़ी आ गई, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक। हाँ, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? जाएंगे जैसलमेर। अब हम जैसलमेर को जाएंगे, यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट। चढ़ने उतरने नहीं करना, हमें पहले बहुत चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे। हमने गलत रास्ता ले लिया। चलो मिलते हैं आपको जैसलमेर में। बाय। और फिर हम अपने होटल पहुँचे। ये जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ये मैंने डिपार्चर के टाइम पे बनाई थी। ये होटल बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, इट वाज लाइक अ फोर्ट। मतलब आपको बिल्कुल राजस्थान के किले वाली फीलिंग आएगी कि आप किसी बड़े फोर्ट में रह रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। क्योंकि हम फेब एंड में गए थे तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी होटल में और हमें थोड़ा प्राइस भी कम ही मिला। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है इस टाइम पे अगर आप जाओ राजस्थान घूमने के लिए। गर्मी भी नहीं होती क्योंकि आप देखने में लग रहा होगा धूप है गर्मी होगी, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जिसमें आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। फिर हमने क्लिक करवाए कुछ ब्यूटीफुल पिक्स। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम निकले साइट सीइंग के लिए। हमारे होटल के पास ही एक झील थी जिसका नाम था गाडीसर लेक। चलो आपको गाना गाना चाहेंगे पंकज जी। इनका हमेशा ऐसे पोपट होता है कोई गाने याद नहीं रहते हैं। कुछ देर बोटिंग करने के बाद हम पहुँचे जैसलमेर फोर्ट में।
एंड दिस इज़ वन ऑफ फ्यू लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि इसके अंदर लोग रहते हैं। आपका तो पता नहीं बट मैंने पहली बार ऐसा फोर्ट देखा है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और इनफैक्ट 1/4 ऑफ सिटी पॉपुलेशन लिव देयर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे शॉप्स भी हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं, लोग रह भी रहे हैं। मतलब यू डोंट फील कि आप फोर्ट के अंदर हो, आपको लगेगा एक ये छोटी सी सिटी है। और ये जो बना हुआ है सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो कि मतलब येलो कलर के जो पत्थर होते हैं, और इसी की वजह से इसको सोनर किला या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। फोर्ट में एंट्री के लिए एक टिकट लगती है, और ये जो है एक क्वीन पैलेस है। बाहर आपको गाइड्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो आपको अंदर का सब बताएंगे कि क्या है, सब कुछ आपको गाइड के थ्रू पता चल जाएगा। और ये एक पिक है जिसमें पूरा फोर्ट जो है वो दिख रहा है नीचे से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, बिकॉज किसी ने हमें सजेस्ट किया था, वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है और बहुत ही अच्छी पिक्स आती है, तो मुझे तो वहाँ जाना ही जाना था। इस रेस्टोरेंट से खा पी कर हम निकले वहाँ से अपने न्यू डेस्टिनेशन, जो कि है एक डेजर्ट एरिया, जिसके लिए हमने ये पूरा का पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। तो वो मैं नाम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको नई अपडेट्स मिलती रहें मेरी नई वीडियोज़ के लिए। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।